गुजरात में बहुत ज़्यादा नारियल का खेती होता है, जैसा कि बहुत भाइयों को पता है, बहुत को नहीं पता है। तो ये देख सकते हैं पूरा भाई के गाड़ी में है नारियल पानी लोडिंग। ये देख सकते हैं भाई साहब यहाँ पे कटिंग चल रहा है नारियल पानी का, अभी जस्ट पेड़ से निकला है। तो सोमनाथ दर्शन करने के बाद हम लोग समुंदर किनारे आ चुके हैं और यहाँ पे आने के लिए 5 रुपए का टिकट भी लगता है। तो यहाँ पे बाबा का भी दर्शन हो चुका है हम लोगों का, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे दर्शन करके। तो ये रहा बाबा का भव्य मंदिर, देख सकते हैं जो कि अंदर से आप लोगों को नहीं दिखा पाए थे। स्वागत करते हैं आप सबका एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। आप लोगों को पता है मेरा वाराणसी से गुजरात का ट्रिप चल रहा है, तो इस ट्रिप के अंदर अभी तक हम 2200 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। ये जो आप हाईवे देख रहे हैं ये है द्वारका टू सोमनाथ हाईवे, तो देख सकते हैं काफी अच्छा हाईवे है। आज हम लोग जाने वाले हैं सोमनाथ दर्शन करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम गुजरात आए हैं और हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हमसे ये सब चीजें छूट जाए। तो क्या बोलते हैं पोसेन, गुजरात आए तो सोमनाथ बाबा का दर्शन करना तो बनता है ना? आज हो जाएगा दर्शन हम लोगों का सोमनाथ का भी। जो तो अपना बुकिंग का बात चल रहा है, ऐसा नहीं कि बुकिंग अपने पास नहीं है, बुकिंग का बात चल रहा है। हमें भाई अहमदाबाद से गाड़ी भरना है, दो जगह से बात चल रहा है कंटिन्यू। या तो अहमदाबाद से लोडिंग होगा आसाम के लिए और या तो फिर जामनगर से लोडिंग होगा वाराणसी के लिए। तो फाइनली गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इधर का मौसम थोड़ा ठंडा है तो कम से कम 2-3 मिनट हम रुकेंगे, उसके बाद सफर को ऐसे कंटिन्यू करेंगे सोमनाथ के लिए। तो एक बार भाई प्रेम से जय श्री सोमनाथ बाबा कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो हाईवे पे चढ़ चुके हैं हम लोग और इधर नारियल का खेती काफी ज्यादा किया जाता है। दोनों साइड में हम कल से ही देख रहे हैं बहुत ज्यादा नारियल का खेती किया जाता है। अभी हम लोग जा रहे हैं सोमनाथ दर्शन करने के लिए। तो सोमनाथ अभी यहाँ से बचा हुआ है 100 किलोमीटर, तो इस वाले चक्के में प्रॉब्लम था, ये पूरा ढीला हो गया था। तो हम लोग का व्हील कैप ना थोड़ा बार बार ढीला हो जा रहा है। ढीला इसलिए हो जा रहा है क्योंकि उसका पत्ती सही नहीं है, पत्ती थोड़ा कमजोर है। बनारस जाके पोषण क्या बोलते, पत्ती चेंज करवा देंगे ना? पत्ती चेंज करवा देंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये सब दर्शन बहुत भाग से मिल पाता है। सोचिए इस ट्रिप के अंदर हमारा 3 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो गया, हमारा भी हो गया, पोषण का भी हो गया। तो सुबह सुबह टोल गेट भी आ चुका है, यहाँ पे पवन चक्की भी रखा हुआ है। आप लोग का कॉमेंट आया था, पूछा था मैंने भाई ये क्या, आप लोग बताइए। तो ये भाई पवन चक्की का पंखा है, सिर्फ एक पंखा। इधर भी एक पवन चक्की का पंखा रखा हुआ है, देख सकते हैं कितना बड़ा पंखा है। तो कुछ भाई का कमेंट आ रहा था कल के वीडियो में, मैंने पढ़ा भाई आप बहुत तेज बोलते हो, बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। तो भाई हम एक्साइटेड इसलिए हो जाते हैं और बीच बीच में तेज इसलिए बोलने लगते हैं क्योंकि ये सब जगह जब हम आते हैं घूमने के लिए मेरे लिए पूरा नया है और हम घूमते हैं देखते हैं तो पागल जैसा हो जाते हैं कि हम अपने आंखों से इतना अच्छा अच्छा जगह देख पा रहे हैं। तो ये सब दिन देखने के लिए हमने बहुत मेहनत किया है गाइस, बहुत हमने जमीनी स्तर से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो लगातार 15 साल हमने ऑटो चलाया, बहुत काम किया, हमारी मम्मी घर घर में बर्तन धोती थी, तो बहुत हमने दुख झेला है तब यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत अंदर से खुश हो जाते हैं यार। अभी हम लोग समुंदर किनारे पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप लोगों को बता रहे थे कि ये जो रोड है ये पूरा समुंदर किनारे ही से आया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं ये है भाई पूरा समुंदर किनारा और यहाँ पे शिवलिंग भी बना हुआ है। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे और थोड़ा सा वहाँ का आप लोगों को वेदर दिखा के आते हैं क्योंकि हम लोगों को तो सफ़र करना ही है और आप लोगों को यही सब चीज़ हम दिखाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है, देख सकते हैं कितना प्यारा मंदिर और ऊपर से समुंदर बगल में, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। तो फाइनली हम लोग समुंदर किनारे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे भोलेनाथ जी साक्षात बैठे हुए हैं, देख सकते हैं हर हर महादेव। और ये भाई समुंदर का लहरें और ये बगल में रोड है, इसी की साइड से हम लोग आ रहे थे रात में। तो ये सब चीज़ें हम दिन में ही दिखाने वाले थे आप लोगों को, तो इसीलिए सोचा कि सोमनाथ का यात्रा हम सुबह ही करेंगे, बाकी रात को हम पहुँच सकते थे सोमनाथ। तो ये देखो भाई कुछ यहाँ का माहौल। तो यहाँ पे बाबा का भी दर्शन हो चुका है हम लोगों का, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे दर्शन करके। बाकी ये जो फील है ना, जब तक आप लोग यहाँ पे नहीं आओगे तब तक आप लोग ये फील नहीं कर पाओगे। बाकी आप लोग मेरा वीडियो देख के फील कर सकते हो, आप लोग ये मत समझना BDM भाई घूम रहा है, आप लोग ये समझना कि आप स्वयं घूम रहे हो यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ, मतलब सोमनाथ की तरफ। यहाँ पे ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगा रहे हम लोग क्योंकि अभी 80 किलोमीटर का अपना सफर बाकी है। ये जगह का क्या नाम है पहले बताइए? ये सिद्धेश्वर महादेव है। अच्छा, सिद्धेश्वर महादेव। पांडव निकला ना पांडव, हाँ, तब पहले यहाँ पे प्रकट किए भोलेनाथ को, उसके बाद फिर यहाँ से सोमनाथ गए। सोमनाथ गया, मतलब सोमनाथ से भी पुराना मंदिर ये है। ये भी पुराना मंदिर है। अच्छा अच्छा, वराहकुंड है बाजू में। अच्छा अच्छा, ये अर्जुन ने प्रकट किया था। अच्छा, अर्जुन ने प्रकट किया था। अब हम लोग समुंदर से थोड़ा सा अंदर साइड आ चुके हैं और ये जो रोड है ये देख के थोड़ा सा कर्नाटका वाला फील आ रहा है।
से हम लोग निकले हैं, लेकिन अभी तक एक नाश्ता का दुकान नहीं दिखा बढ़िया नाश्ता का। भूख भी लग चुका है, देखते हैं कहीं नाश्ता मिलेगा तो नाश्ता करेंगे। इस गुजरात का नाश्ता हम लोग को कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग बनारस में रहते हैं तो पूरी सब्जी हम लोग को अच्छा लगता है खाने में, लेकिन यहाँ का खाना भाई एक नंबर है। गुजराती थाली बहुत अच्छा मिल रहा है खाना यहाँ पे। ऐसा बोसन अभी बता रहा था गुजराती थाली अच्छा मिल रहा है। हाँ भाई, गुजराती थाली अच्छा मिल रहा है, तो बताओ क्या क्या खाने में कल खाए बोसन? गुजराती थाली में जो बाजरे का रोटी वो भी बहुत अच्छा लगा, और सब्जी भी बहुत अच्छा बना रहे हैं, बहुत ही मस्त है। तो ये शायद कोई चेक पोस्ट है, मुझे पता नहीं इसके बारे में, गुजरात पुलिस बस लिखा हुआ है इसमें। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं कि कोई बाहर का गाड़ी देख के पुलिस वाला परेशान करे, ऐसा यहाँ पे मुझे देखो लगा नहीं, ठीक है। बाकी एक दो जगह गए हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, वहाँ पे बाहर का नंबर देख के बहुत पुलिस परेशान करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब गाड़ी वालों का सबका इज्जत होना चाहिए हर जगह पे। भाई अपने पास बॉर्डर टैक्स का टीपी है, मतलब गुजरात का टीपी है, गाड़ी का पूरा कागज होके है, फिर भी वहाँ पर रोक के परेशान किया जाता है। यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर भाई मिल गए, कैमचो भाई कैमचो मजामा रात को देखे थे। अच्छा सोमनाथ? हाँ सोमनाथ जा रहे हैं। एक सब्सक्राइबर भाई मिल गए, बोल रहे हैं कि भाई साइड लगा लो, यहीं पे नाश्ता पानी कर लीजिएगा। तो इधर ही गाड़ी साइड दबा लेते हैं भाई। अभी क्या है कि यहाँ पे नाश्ता करने के रुक चुके हैं, यहाँ पे मिल रहा है फाफड़ा। फाफड़ा हम दो दिन खाए। बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया है। क्या नाम है सर आपका? भीमा। भीमा भाई, तो आज हम लोग फर्स्ट टाइम चूरमे का लड्डू ट्राई करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू है ये। तो यहाँ पे हम लोग का सुबह सुबह गुजराती स्टाइल में लग गया पकौड़ा, गर्म है एकदम। हम भी ट्राई करते हैं गरम गरम पकौड़ा चटनी के साथ में। भाई नाश्ता पानी करने के बाद, लड्डू पैक करवाने के बाद, भाई साहब हमसे पैसा नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो आपसे आए थे मिलने के लिए उन्होंने मना करके किया, मेरे गांव का ही है, पैसा आपसे नहीं लेना है। वो ज़बरदस्ती करते करते मैंने सिर्फ 100 रुपया पे किया है। हमने बोला कि भाई कम से कम लड्डू का ले लो, नाश्ता पानी का जो है भाई साहब से ले लेना। लो भाई, हम लोग निकलने वाले थे, अचानक से खतरनाक वाला यहाँ बारिश चालू हो चुका है, तो पीछे अपना पैंट सुखाए थे सुबह रात को नहाने के बाद, वो पैंट भी अब भीग जाएगा। बस भाई ऐसा ही मौसम हो तो गाड़ी चलाने में आनंद ही आनंद होता है। फिर से लगता है कोई चेक पोस्ट आ चुका है, तो यहाँ पे भी गुजरात पुलिस लिखा हुआ है। तो हमने खजूर खरीदा था नरसों खरीदा था, और नहीं खाए हैं तो भाई ये सड़ चुका है, थोड़ा सा सही है। गुजरात में बहुत ज़्यादा नारियल का खेती होता है, जैसा कि बहुत भाइयों को पता है, बहुत को नहीं पता है, गुजरात में होता है और अपना इधर साउथ लाइन में भी बहुत जगह होता है, चेन्नई साइड में भी होता है। तो ये देख सकते हैं, ये अभी माल अंदर से टूट टूट के आ रहा है, ठीक है। तो ये माल का क्वालिटी कैसा है आप लोग कॉमेंट करके बताना, मुझे तो भाई थोड़ा सा डाउन क्वालिटी लग रहा है, मतलब ऐसे तो अभी तुरंत माल टूट के आ रहा है, लेकिन हम तो 2-3 दिन से पी रहे हैं, थोड़ा पानी यहाँ पर कम लगता है इस माल में। बाकी ये देखो अभी उस्ताद जी तोड़ के लेके आ रहे हैं, ये माल अभी जस्ट टूट के आया है, अब यहाँ पे होगा छटैया, इसका छाटने के बाद फिर यहाँ पे रखा जाएगा। निकालते माल देखो भैया, इस तरह निकालते माल हम। ये देखिए माल अभी जस्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रख दिया गया। अब इसका जो खराब माल होगा छोटा होगा इधर फेंक दिया जाएगा, और बढ़िया वाला को इधर सरिया के रख दिया जाएगा। हाँ बाजार बहुत तेजी है अभी, बाजार बहुत तेज है ना, बारिश की वजह से। अच्छा अच्छा, तो हम लोग आगे बढ़ने ही जा रहे थे, तो यहाँ पे मिल गए हमारे सब्सक्राइबर भाई, उनके गाड़ी में पूरा नारियल पानी लोड है, बोल रहा है भाई आ जाओ थोड़ा मुलाकात हो जाए। ये लोग हैं भाई, कैसे हैं? बस बढ़िया। कैसे हो भाई? बढ़िया। तो आपकी गाड़ी में पूरा नारियल पानी कहाँ जाएगा? ये जाएगा जयपुर। जयपुर तो अपन तो यहाँ से बड़ी गाड़ी में लोड करेंगे। अच्छा बड़ी गाड़ी में लोड करेंगे ना, चलिए। मतलब ये मंडी है क्या बगल में? मंडी है 8 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, तो ये देख सकते हैं पूरा भाई की गाड़ी में है नारियल पानी लोडिंग। तो भाई नारियल पानी लोडिंग होने के बाद ना इसका लुक ही कुछ अलग हो जाता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ से जा रहा है मंडी, और गुजरात का भाई गाड़ी का जो बॉडी का लुक है कुछ इस प्रकार से होता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ है गुजरात का गाड़ी का बॉडी का लुक। यहाँ पे भाई ने अपने गाड़ी से नारियल पानी दिया मुझे पीने के लिए, थैंक यू भाई। तो सब्सक्राइबर भाई ने अपने गाड़ी से निकाल के नारियल पानी पिलाया, और यहाँ पे पोषण के लिए भी एक नारियल पानी दिया कि पोषण को भी पिलाना जाके गाड़ी में। पोषण तो गाड़ी में बैठा है क्योंकि हल्का हल्का सा बारिश भी। यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग आ गए मिलने के लिए गाड़ी देख के, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा वीडियो ही चालू है मेरा। हेलो पोषण, तुम्हारे लिए भैया ने गिफ्ट किया है कि पोषण के ऊपर हम पी ली है, तुम पी लो ठीक है। बढ़िया बढ़िया, वही गाड़ी है, वही गाड़ी है, देख लिया मैंने। अच्छा तुरंत बाइक निकाल के चले, चलो बाहर आओ। यहाँ पे भाई लोग रुकवा लिए गाड़ी को, बोले मीडियम भाई आप यहाँ पे नारियल पानी पी के जाना है,
हाँ थैंक यू भैया। तो यहाँ पे डायरेक्ट तोड़ा जा रहा है अभी, ठीक है, पेड़ से निकाला जा रहा है और भाई लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से पी के जाना है। देखो ये देखो अभी पेड़ से उतर रहे हैं भाई साहब नारियल तोड़ के, और ये पूरा रस्सी में यहाँ पे लटका भी हुआ है, ये देखिए ये पूरा रस्सी में लटका ही हुआ है, ऊपर से अभी नीचे गिराया गया है इसको। देखते हैं ये लोग बिना सपोर्ट का उतना ऊपर चढ़े जाते हैं, भाई सैल्यूट तो बनता है यार इनको। ये देख सकते हैं भाई साहब यहाँ पे कटिंग चल रहा है नारियल पानी का, अभी जस्ट पेड़ से निकला है और रस्सी भी लटका ही हुआ है अभी तक। तो नारियल पानी पी लिया, मतलब वहाँ पे भी एक भाई पिलाया और यहाँ पे भैया लोग मिल गए, बोल रहे विंडे भाई आप यहाँ पे आए बिना पानी पी आपको जाना नहीं है। अच्छा एक चीज़ हमें यहाँ पे आके ये समझ में आया ना कि इधर के लोग ज़्यादातर नारियल का ही खेती करते हैं, तो इसमें से देखो नारियल का तेल भी निकल जाता है, कच्चा नारियल भी लोग बेच देते हैं पानी वाला, और ऊपर से नारियल बेचने के बाद रस्सी भी निकल जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और फायदा होता है, जो सीख वाला झाड़ू होता है वो भी बिक जाता है क्या भाई? हाँ। सब बिक जाता है, तो नारियल खेती में प्रॉफिट अच्छा है। इस समय क्या रेट चल रहा है होलसेल में? होलसेल में यहाँ पर 30-35 रुपये, 30-35 रुपया। तो अभी सीजन में जब ज़्यादा गर्मी आया था 40 भी चला जाता होगा, 40-50 भी चला जाता होलसेल में। और ज़्यादातर माल यहाँ से कहाँ जाता है? सब जगह जाता है, दिल्ली पंजाब राजस्थान भी जाता है ना, राजस्थान गुजरात में चलता है, महाराष्ट्र में चलता है, सभी जगह पे जाता है। यहाँ पे भी कुछ भाई आ गए, कैसे हैं भाई? बढ़िया बढ़िया। एक भाई वहाँ पे भी रुके हैं पिकअप लेके, बढ़िया है सब? तो भाई नारियल पानी तो मुझे एकदम पसंद नहीं है, लेकिन भाई सब्सक्राइबर भाई लोग का प्यार है जो मना नहीं कर पा रहे हैं। आज जिंदगी में पहली बार दो दो नारियल पानी पिए एक साथ। यहाँ पे जो गाय है भैंस तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, जो सांड है नंदी जी काफी बड़े बड़े हैं, हमें लग रहा है कुछ अलग वैरायटी है ये, वैरायटी मतलब कि कुछ अलग नस्ल का है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हैं सब, तो नंदी जी यहाँ पे भी खड़े हैं। तो हम लोग अभी जस्ट सोमनाथ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर भाई मिल गए पार्किंग के सामने। कैसे हैं भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और भैया लोग यहाँ पे टैक्सी चलाते हैं, घुमाते हैं सब टूरिस्ट को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आप लोग मेहनत करिए। तो अभी भैया अपना कार्ड लेके आए, कहाँ कहाँ जाते हैं घुमाने के लिए? कौन सा मंदिर भैया बता रहे जो पास शिवलिंग वाला? गंगेश्वर टेम्पल देव में आता है, गंगेश्वर टेम्पल। तो यहाँ पे भी आप लोग जा सकते हैं, बाकी देव में ना? देव। और यहाँ पे ये जो काला पानी वाला जेल बता रहे थे, ये वाला कहाँ पे है? कोथा जेल, देव फोर्ट के पास ही है। अच्छा ये काला पानी अभी चालू है? ये जेल अभी जेल बंद है, आप देख सकते हो दूर। अच्छा, से दूर से किसी कैदी को वहाँ नहीं। अच्छा वो मतलब काला पानी वाला तो सजा होता था। अच्छा वो भी मतलब गुजरात के अंदर ही पड़ता था। चलो पहले देखा करता था, फाइनली पहुंच चुके हैं। तो ये सोमनाथ पार्किंग, तो यहाँ पे फास्टैग से ही पैसा कट जाता है पार्किंग का। अभी देखिएगा आप लोग कितना रुपया कटा, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे गाड़ी लेके आ गए, तो यहाँ पे 50 रुपये कटा है फास्टैग से, ठीक है। और बहुत बड़ा पार्किंग है ये, हमें लग रहा है कि 2,000-4,000-10,000 गाड़ी भी आ जाएगा तो भी पार्किंग कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना बड़ा पार्किंग है, डायरेक्ट फास्टैग से 50 रुपये कट गया, कोई टेंशन नहीं है। सामने मंदिर है, फटाफट चलते हैं, पहले मंदिर दर्शन करके खाली हो जाते हैं हम लोग। चलो भाई गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया है, गाड़ी को लॉक करते हैं, अब निकलते हैं। फ़ोन कैमरा वैमरा सब जमा कर देते हैं लॉकर में, क्योंकि पहले दर्शन जरूरी है, उसके बाद फिर आते हैं तो दिखाते हैं आपको पूरा मार्केट। तो फाइनली भाई दर्शन अपना हो चुका है और दर्शन करके भाई बहुत अच्छा लग रहा है। पोषण कुछ बोल रहा था, बताओ भाई क्या बोल रहे थे? भाई मैं बहुत साल से पचकोस यात्रा जाता हूँ, लेकिन पचकोस यात्रा में इतना शांति नहीं मिलता जितना यहाँ आके शांति मिल गया। तो चलिए अभी थोड़ा सा यहाँ पे जामुन भी बिक रहा है, तो जामुन खरीदेंगे। कैसे है दीदी? एक पाव का कीमत है 50 रुपये, तो थोड़ा सा हम खरीदते हैं, खाते खाते चलेंगे। तो सोमनाथ दर्शन करने के बाद हम लोग समुंदर किनारे आ चुके हैं और यहाँ पे आने के लिए 5 रुपये का टिकट भी लगता है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं मंदिर के पीछे साइड में, तो चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं। भाई इतना भयंकर भयंकर लहर आ रहा है ना, कभी कभी वहीं पर आ जा रहा है, कभी कभी पूरा ऊपर तक आ जा रहा है। क्या कर रही है बाबू? तो यहाँ बच्चे कुछ बना रही है शिवलिंग। आप 5 रुपए का टिकट लेके पीछे साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको हनुमान जी का मूर्ति दिख जाएगा। यहाँ पे घोड़ा भी है, ऊंट भी है, उसका सवारी भी आप लोग कर सकते हैं अलग से पे करके। तो सोमनाथ मंदिर के जब पीछे साइड में आप आएंगे, मतलब जा रहे समुंदर दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे पूरा ये घेरा हुआ है, ठीक है। और उतना दूर में समुंदर, मतलब यही पूरा पहले पानी था समुंदर का, यहाँ पे भी आता था, लेकिन मंदिर को कोई दिक्कत ना हो आने वाले दिनों में, इसीलिए पूरा इसको घेरा बना के अच्छे से इसमें पत्थर का जो स्लैब होता है उसको बैठा के रखा गया है, ताकि हजारों हजारों साल बाबा का मंदिर यहीं पर रहे। सोमनाथ मंदिर के पीछे साइड में आ चुके हैं, तो ये रहा बाबा का भव्य मंदिर, देख सकते हैं, जो कि अंदर से आप लोगों को नहीं दिखा पाए थे। और ये रहा समुंदर किनारा भाई, और ये दिखा रहा है वीडियो कॉलिंग में भाभी को।
तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से अपनी गाड़ी के पास निकलेंगे, थोड़ा फोटो लेना था और आप लोगों को दिखाना था बाबा का मंदिर, तो दिखा दिया। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं आगे के लिए। तो फाइनली गाड़ी के पास आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग मिल गए हमको। क्या हालचाल है भाई? तो देख सकते हैं इतने सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई कब से इंतजार कर रहे हैं भाई लोग कि बीडीएम भाई कब आएंगे क्या। पार्किंग में हमारे सब्सक्राइबर, चलिए बहुत अच्छा लगा मुलाकात करके आप लोगों से भाई। इधर ही से हैं, सोमनाथ से ही? मैं सोमनाथ। अच्छा, आप सोमनाथ से? और आप लोग? अच्छा अच्छा, चलो भाई। तो चलो भाई लोग के साथ में फोटो वोटो हो गया, चलते ठीक है। जय बोले, जय बोले, जय। अभी हम लोग निकल चुके हैं फिर से बाहर, पार्किंग से बाहर, श्री सोमनाथ भगवान का बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। ऐसा दर्शन बहुत ही खुश नसीब वालों को मिलता है भाई। इतना ज्यादा हम लोग खुश हैं इस समय, क्या बताएं, इतना ज्यादा खुश हैं बाबा का दर्शन। तो आते टाइम तो पार्किंग के अंदर आए थे तो फास्टैग से पैसा कट गया था, अब जाते टाइम देखते हैं कितना कटता है। तो ये फास्टैग से ही पैसा कट जाता है भैया, अभी गए थे एक घंटा पहले, अब तो नहीं कटेगा ना जाते टाइम। अच्छा चलिए ठीक है, एग्जिट हो गए भाई हम लोग, पार्किंग का गेट, हम लोग बाहर आ चुके हैं। तो एक होटल हम लोग को मिल चुका है, गाड़ी को साइड में लगा दिया, हम और जा रहे हैं, हम और पोसन जा रहे हैं खाना खाने। तो हम लोग का भाई गुजराती थाली यहाँ पे लगना चालू हो चुका है, अनलिमिटेड वाला। तो देख सकते हैं पूरा ये सलाद आ चुका है, जितना भी खाना हो खा सकते हैं। यहाँ पे बाजरे का रोटी लग चुका है, सादा रोटी लग चुका है, पापड़ लग चुका है, पूरा प्लेट अपना सज के रेडी। चलो फिनिश करते हैं। और ये जो खाना है आप ही बनाते हैं? चलिए धन्यवाद। और वीडियो भी देखते हैं मेरा, आप वीडियो देखे? देखता हूँ फेसबुक में देखता हूँ। अच्छा अच्छा, थैंक यू भाई। भाई खाना एकदम सादा बनाया है, बहुत मस्त लग रहा है, ये छोटा वाला बैगन। तो भाई खाना पीना हो चुका है और अपना लोडिंग का भी बात चल रहा है जामनगर से। तो ट्रांसपोर्टर ने बोला भाई गाड़ी लेके फटाफट करके जामनगर आ जाइए। तो जितना भी हम लोग घूमना था उतना आप लोगों को पूरा पूरा घुमा दिया भाई। इस ट्रिप के अंदर 3 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो गया, सबसे बड़ी चीज़ अपने लिए। इस दोपहर में देखा खाना पीना खा के हम लोग आ गए थे, तो एक जगह था यहाँ पे आके रुक गए, सो गए थे, अभी जस्ट उठे हैं। तो एक भाई का ढाबा यहाँ पे है, भाई हमारे सब्सक्राइबर ही है, तो आज रात को यहीं पे स्टे करने वाले हैं। बाकी हमें जाना है कल सुबह जामनगर के लिए, क्योंकि कल अपना लोडिंग भी है। तो कैसे हो भाई? बस बढ़िया। क्या नाम है जगह का? माधव होटल पालपरा। पालपरा माधव होटल। तो आज यहीं पे स्टे करने वाले रात को, और अपना गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये रहा कुछ होटल भाई, देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे चौकी वौकी भी लगा हुआ है, रात को सोने वाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये है भाई माधव होटल, यहाँ पे गुजराती में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो भाई अभी हमको लेके जा रहा है अपने किचन में शायद खाना पीना दिखाने के लिए। यहाँ पे भाई सेव भाजी दिखा रहे हैं, ये अभी जस्ट अभी बना है रात के लिए खाना। और ये भाई मिक्स सब्जी देख सकते हैं। और यहाँ पे भाई बैगन भरता भी जस्ट अभी बना है, रात को ट्राई करने वाले हैं हम भी। और ये भाई आलू का ग्रेवी वाला सब्जी है, देख सकते हैं। और ये बना है एकदम सेहतमंद मूंग का दाल, जो कि हर किसी का फेवरेट होता है। पूरा सलाद वलाद है, जैसा कि आप लोगों को पता है गुजरात में कौन सा सलाद मिलता है पूरा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट छाछ का मशीन ही लगा दिया है, ठीक है। ये छाछ का मशीन डायरेक्ट इसमें भाई छाछ बनाया जा रहा है, देख सकते हैं। ये शाम के लिए तैयार हो रहा है, तो इसमें डायरेक्ट छाछ बनाया जा रहा है। ये छाछ बना के हम लोग को दिया जाएगा खाने पीने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत जगह भाई ने नोट भी सजा के रखा हुआ है। तो और ये है भाई साहब ऑनर, क्या नाम भाई आपका? जिगर भाई। अच्छा तो चलो भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलो टाटा कर दो भाई सबको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के बाय बाय, जय हिंद गाइस।